गीता सर, जैसे हमारे यहाँ गीता साग का पालक पालक है, तो इसको मैं चाकू से काटूंगी। पानी डाल देती हूँ, टमाटर है इसे। हाय फ्रेंड्स, जोहार। और देखिए अभी सुबह सुबह का समय है, पूरा एकदम धूप खिला हुआ है और अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी है हमारे तरफ। ठंड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दो दिन से और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और आज मैं बनाने वाली हूँ तीता साग, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि तीता साग किसको बोलते हैं। तो ये है तीता साग, इसे हमारे यहाँ तीता साग बोलते हैं। तो झारखंड के हर एक एरिया में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हर एरिया में इसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो हमारे यहाँ सिमडेगा एरिया में इसको तीता साग के नाम से जानते हैं हम लोग। और मैं बाज़ार गई थी, तो बाज़ार से मैं ताज़े ताज़े मिल रहे थे, तो मैं लेकर के आई थी। और इसी की आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, एकदम सादा तरीके से हम लोग बनाते हैं। जो हम लोग का पुराने ज़माने से जैसे हमारे मम्मी लोग बनाते थे, उसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा तीता तीता सा लगता है इसको खाने में। और ये जो साग होता है ना, वो जहाँ पानी वाला एरिया होता है, पानी वाला खेत, या फिर जहाँ हम लोग धान लगाते हैं वैसे खेतों में ये पाया जाता है। और ये नहीं है कि हर खेत में ये मिलेगा, ये जहाँ पर मिलता है उसी आसपास में ये होता है। तो जब धान की कटाई हो जाती है ना, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और ये धान की कटाई होने के बाद ही ये ज़्यादातर मिलता है। और अभी के समय में जब ये मिलता है तो पूरा बालक बालक रहता है इस तरह से, तो इसको खाने में और ही अच्छा लगता है और अभी का सीज़न में ये ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो अभी मैं देखिए, ये तो पूरा बालक बालक है, तो इसको मैं चाकू से काटूँगी। लेकिन जो इस तरह से थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसको इस तरह से मैं पत्ता निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। बालक बालक है इसलिए एकदम इजीली कट जा रहा है। इसी तरह से मैं सभी साग को भी काट लेती हूँ। इसको बहुत बहुत पतला पतला काटने का जरूरत नहीं है, इसको मैं रफली ही काटती हूँ। मैं साग को काट ली हूँ, अब इसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ चूल्हा में, और इसके बाद फिर इसमें मैं साग को डाल दूँ। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और कुछ देर इसको मैं ढक करके बॉईल करूँगी और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ। साग बॉयल हो रहा है अभी, और इसे बॉयल होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। और देखिए, मैं आलू, प्याज, लहसुन और मिर्च भी काट ली हूँ। और ये जो साग होता है ना, इसको हमारे यहाँ हम लोग सूखा के भी रखते हैं। और ये सूखा वाला साग जो होता है, उसको जब हम लोगों को खाने का मन करता है तो गर्म पानी किए और उसमें डाल देते हैं, फिर वो जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसको आलू के साथ में भून के भी हम लोग खाते हैं। या फिर जो सूखा साग होता है उसको हल्का पाउडर बना के हम लोग रखते हैं, और टमाटर को जला लेते हैं आग में, और उसमें प्याज, लहसुन, मिर्च ये सब डाल करके उसको अच्छे से गूंद करके उसको चटनी बनाते हैं, और वो भी उस तरह से भी इसको हम लोग खाते हैं। तो अभी इस साग को बनाने के लिए मुझको टमाटर की भी आवश्यकता है, तो चलिए फिर चलते हैं टमाटर लाने के लिए। देखिए कितने छोटे छोटे टमाटर हैं, ये चेरी टमाटर हैं। अब इसको मैं तोड़ लेती हूँ। और इसका जो पौधा होता है ना, वो लरंग के जैसा होता है, लता के जैसा। देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक लंबा इसका लता होता है। और ये टमाटर बहुत खट्टा होता है। मैं भी साग में इसी को डालूंगी। तो मैं टमाटर तोड़ लेती हूँ। देखिए, साग बॉयल हो गया है। अब इससे मैं पानी निकाल देती हूँ। बर्तन में निकाल देती हूँ। और ये और इसी कढ़ाई में मैं सब्जी बनाऊंगी, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आलू को भून लेती हूँ। मैं सरसों तेल डाली हूँ और तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं मिर्चा इसमें डाल देती हूँ, ये सूखी मिर्च है। और उसके बाद में इसमें मैं लहसुन भी डाल देती हूँ।
ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी, और आलू जब भुनाएगा उसके बाद मैं प्याज डालूंगी। तो थोड़ा सा पक गया है लहसुन, तो इसमें मैं आलू डाल देती हूँ। क्या होता है ना, अगर प्याज हम साथ साथ डाल देते हैं तो प्याज आलू भुनाता है तब तक प्याज भी जल जाता है, इसलिए मैं प्याज को थोड़ा बाद में डालती हूँ। आलू को भून लेते हैं, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दे रही हूँ। आलू भून गई है तो अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ और उसे भी भून लेती हूँ। प्याज हल्का पक गया है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाई हूँ मैं, और इसमें मैं अब साग डाल देती हूँ। साग को थोड़ा सा निचोड़ करके डालना है, तो इस तरह से साग को मैं डाल दी हूँ। इसका जो पानी होता है ना उसको निकाल लेना है। और इसी समय में मैं अब इसमें टमाटर भी डाल दूंगी, और टमाटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये साग थोड़ा सा कड़वा होता है ना, इसलिए मैं टमाटर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, तो इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं टमाटर भी पक गया होगा, बस देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गया है, और इसे अब हम लोग 10 मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद ये पक जाएगा। साग भुना गया है और साग को हम लोग रोटी और चावल के साथ में खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू और टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आप लोगों को अब टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसमें हल्का सा साग का कड़वापन है, टमाटर का खट्टा है, और मिर्च का हल्का सा तीखापन है, तो ये सब मिल करके ना ये साग को और भी ज़्यादा टेस्टी बना दे रहा है और खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।